मर्द जिसने अपने आप को, और रेपिस्ट है वो, एक मर्द जो के रेपिस्ट है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया मैं औरत हूं, मुझे भेज दिया जाए विमेन प्रिजन में, मैं मर्दों के प्रिजन में जा ही नहीं सकता। उसको मूव किया विमेन प्रिजन में, वहां जाके उसने दो औरतें और रेप की। मुझे बताएं इसका इसका गुनाह किसके सर जाएगा, जो एक रेपिस्ट को आपने औरतों के यानी यानी मुर्गे को आपने मुर्गियों के दड़बे में जाके छोड़ दिया, और वो जो कि कन्विक्टेड बंदा है, उसको उसको आपने सिर्फ सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी पे आपने उसकी बात मानी है, दो औरतें रेप हुई हैं, फिर आपको होश आए हैं और आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला है, और फिर आप कह रहे हैं वहां। और इसी तरह से आप देखें, ऐसे देखें ये जो अभी हमारे सामने पूरा ये जो नेशनल असेंबली में जो बिल पास हुआ है, इसके बारे में जो डिटेल्स मौजूद हैं, अब उसमें जो चीज़ें वो लोग प्रपोज कर रहे हैं कि जी ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ये होगी, इससे मैं समझता हूँ कम अज़ कम तीन चार चीज़ें जो स्ट्रेट अवे आप इसमें से यानी सवाल आगे रख सकते हैं कि इन मसलों के साथ फिर आप क्या करेंगे जब ये मसले सामने आएंगे। एक उसमें मसला है जी आपकी होमोसेक्सुअल मैरिजेस का, ठीक है, उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, एक केस जो आपसे पहले डिस्कस हो रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो ये है कि ये दरवाज़ा खुलता है होमोसेक्सुअल मैरिजेस का, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो आम तौर पे जब निकाह होता है तो जो निकाह ख्वाह होते हैं वो शनाख्ती कार्ड की बेस पे शादी करते हैं। अब खास तौर पे अगर एक लड़की है ना तो उसको जाके तो नहीं निकाह ख्वाह जाके चेक करके आता कि भाई ये लड़की वाकई में लड़की है नहीं, वो तो आईडी कार्ड की बेस पे शादी कर देते हैं। दूसरी बात ये कि जो इनहेरिटेंस लॉ है वो आपकी शरीयत का, मतलब ये जहाँ पे आपके यानी प्रीएम्बल सेक्शन में लिखा हुआ है कि जी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और यहाँ पे सारे कानून जो है वो कुरान सुन्नत पे होंगे, तो आपका स्ट्रेट अवे जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेट अवे आपका जो इनहेरिटेंस का है वो इफेक्ट हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ जो कि वेस्ट से आप देख सकते हैं कि जो उनके इस वक्त हालात बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स के अंदर वहाँ पर ख्वातीन की स्पोर्ट्स में मर्द हिस्सा ले रहे हैं, मर्द वहाँ पे आके जो है ना वो उनकी स्पोर्ट्स में ख्वातीन को इलिमिनेट कर रहे हैं, लिटरली वहाँ से औरत को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरफ हमारी फेमिनिस्ट सोसाइटी में कहते हैं किसी हकूक़ निस्वा की बात हो, उधर से वहाँ पे मर्द जो है वो औरतें बन बन के आपके उनमें टीम्स में घुसता चले जाएं और उस पर आप बैठे, तो वो कहते हैं कि जी ट्रांस वेमेन आर वेमेन, यानी एक और एक मर्द जो है जो अपने आप को औरत कह रहा है उसको भी बिल्कुल औरत माना जाए, ठीक है। तो पहली बात ये कि आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी का तो वो सब सब कुछ गया। फिर वहाँ पे एक बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त कि बाथरूम्स के अंदर वहाँ पे यानी जो स्पेसेस हैं वो भी अब प्राइवेट नहीं है, इसी तरह से जो उनके पूल्स हैं पूल एरिया में वहाँ पे भी एक स्पा था जहाँ पे खातून ने बड़ा एहतजाज किया कि जहाँ पे एक मर्द जो है वो बहन हालत में चला गया और उसने जब एहतजाज किया औरत ने कि जी मेरी बच्चियाँ साथ आई हुई हैं क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि जी मैं तो औरत हूँ, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं चाहती मेरी बच्चियां ये सब कुछ देखें जो आप कर रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो औरत हूँ और आप मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकती। उसने जब जाके कंप्लेन किया पूल मैनेजमेंट को, उन्होंने कहा कि जी हम मजबूर हैं क्योंकि कानून जो है वो उसके साथ है और कानूनन आप कुछ नहीं कह सकते, ये मर्द जो है टेक्निकली ये औरत है, तो ये अपने आप को जो मर्जी क्योंकि नफसियाती तौर पर अपने आप को समझता है तो ऐसा ही है। फिर आप देखें कि वहाँ पर अभी CNBC में एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका की एक प्रिजन में एक ट्रांस वुमन ने दो खवातीन को रेप किया एक ही रात में और उसके बाद उन्होंने उसको उठा के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया और कास्ट को प्रिजन शिफ्ट करें, यानी एक मर्द जिसने अपने आप को और रेपिस्ट है वो, एक मर्द जो कि रेपिस्ट है उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया मैं औरत हूँ, मुझे भेज दिया जाए विमेन प्रिजन में, मैं मर्दों के प्रिजन में जा ही नहीं सकता। उसको मूव किया विमेन प्रिजन में, वहाँ जाके उसने दो औरतें और रेप की। मुझे बताएं इसका इसका गुनाह किसके सर जाएगा, जो एक रेपिस्ट को आपने औरतों के यानी यानी मुर्गे को आपने मुर्गियों के दड़बे में जाके छोड़ दिया और वो जो कि कन्विक्टेड बंदा है उसको उसको आपने सिर्फ सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी पे आपने उसकी बात मानी है, दो औरतें रेप हुई हैं फिर आपको होश आए हैं और आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला है और फिर आप कह रहे हैं वहां। और इसी तरह से आप देखें कि ये तो अभी तो ये बातें, अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर एक लड़का जो ये कहता है कि मैं एक लड़की हूँ 18 साल की उम्र है, वो कहता है जी मैंने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया, उसको आप कैसे रोकेंगे? मुझे मुझे मैकेनिज्म बताएं ना, व्हाट इज द मैकेनिज्म? हरासमेंट आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। और ये भी देखें, ये भी मामलात अमेरिका में नजर आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियों के बाथरूम में लड़कों ने जाके लड़कियों के साथ जना किया, उनको रेप किया, सब कुछ किया, उन्होंने अलग से बाथरूम बिल्स अलग से मंजूर कराया।